लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब।
फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहाँ से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई
एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौशल राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौशल की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौशल। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया।
और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया।
जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा
कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई। तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्रनाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गाँव में रहता था। उनके गाँव से सटा एक जंगल था जहाँ से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला, पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा, उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया।
पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थे। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और मां का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाने या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला, पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े।
अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अभी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौशल राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौशल की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौशल। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया।
संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्रनाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थे। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गाँव में रहता था। उनके गाँव से सटा एक जंगल था जहाँ से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे।
पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अभी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थे। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए।
आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौशल राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौशल की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौशल। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गाँव में रहता था। उनके गाँव से सटा एक जंगल था जहाँ से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी।
रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला, पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अभी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थे। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था
जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अभी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री
श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है। तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थे। इस साहसी लड़की का जिक्र
पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाने या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अभी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था।
जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहाँ से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्रनाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे।
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्द ही आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अभी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब।
फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहाँ से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई
एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे
ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया।
जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्रनाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौशल राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौशल की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौशल। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा। उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा
कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई। तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अब भी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौसर राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौसर की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू ओसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौसर। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाने या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के पिता ने दरवाजा नहीं खोला, पूरा परिवार भय और आतंक में आ गया। माँ ने जल्दी जल्दी अपनी जवान और खूबसूरत बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। आतंकियों को इस बात की खबर थी कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। वे खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हो गए। आतंकियों ने हथियार के दम पर घर वालों से बिस्तर और खाने पीने की चीजें मांगने लगे। साथ ही उन्होंने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल जाए। कथित तौर पर आतंकियों ने नूर हुसैन को अपनी बेटी उन्हें सौंपने को कहा। पिता चिल्ला उठे और आतंकियों की इस मांग का विरोध करने लगे। पिता ने विरोध किया तो आतंकी राइफल के बट से उन्हें पीटने लगे। बिस्तर के नीचे छिपी रुखसाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसे आतंकियों से डर लग रहा था और दूसरी तरफ वो अपने पिता को पिटते नहीं देख पा रही थी। तभी रुखसाना के अंदर का साहस जागा, उसने उन आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। संयोग से वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी और रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकी के सिर पर जोर से वार कर दिया। वो गिर गया नीचे। अपने साथी पर वार होता देख दूसरे आतंकी ने गोली चला दी। रुखसाना का साहस देखकर घर के दूसरे सदस्य भी आतंकियों पर टूट पड़े। अब पूरा परिवार आतंकियों के साथ मुकाबला कर रहा था और तभी रुखसाना ने वहीं पड़े AK-47 उठाई और एक आतंकी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर दूसरे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना के परिवार ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया।
पुलिस स्टेशन पहुंचकर रुखसाना ने पूरी बात बताई और हथियार पुलिस को सौंप दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पता चला कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकी ने पहले भी उनकी बेटी को धमकाया था। रुखसाना से जब मीडिया ने पूछा कि उसने आतंकियों से लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाई, ये हिम्मत कहां से आई, तो उसका यही जवाब था, जब आतंकी मेरे पिता को बुरी तरह से पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकियों से लड़ने का फैसला किया। हैरानी की बात है कि इससे पहले रुखसाना ने कभी भी बंदूक नहीं पकड़ी थी। जिसने भी रुखसाना की बहादुरी की कहानी सुनी वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर नरेंद्र नाथ वोहरा ने रुखसाना को गैलेंट्री अवार्ड देने के लिए सिफारिश की। एक साधारण परिवार के हाथों एक आतंकी मारा गया था और इसीलिए रुखसाना का परिवार अभी भय और असुरक्षा महसूस कर रहा था, लिहाजा उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। घटना के करीब एक महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। इत्तेफाक से पुलिस ने पहले ही रुखसाना के परिवार को हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया था और इसीलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या को रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए एक कीर्ति चक्र भी दिया गया। उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो वायरल भी हुई थी खूब। फिलहाल रुखसाना कौशल राजौरी में ही कांस्टेबल हैं। 2013 में उनकी शादी कबीर हुसैन से हुई और उनकी अब 3 बेटियां हैं। रुखसाना अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती हैं। बहरहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बहादुरी का मिसाल बन गई रुखसाना कौशल की कहानी आपको फिल्मी पर्दे पर जल्द दिखाई दे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी आपको सिल्वर स्क्रीन पर एक ऐसी जाबाज लड़की की कहानी दिखाई देगी जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया था। जब पुलिस को एक लड़की के हाथों आतंकी के मारे जाने की घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी हैरान रह गई। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू उसामा था, जिसकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तलाश थी। इस साहसी लड़की का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी तब भी कर चुके हैं जब उन्होंने 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के मौके पर अपना भाषण दे रहे थे। कश्मीर की इस बहादुर लड़की का जिक्र उन्होंने भाषण के आखिरी हिस्से में किया था। आखिर कौन है वो बहादुर लड़की जिसके साहस को पीएम नरेंद्र मोदी भी सलाम कर चुके हैं और जिस पर एक फिल्म बनने की तैयारी हो रही है, जिसका किरदार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की निभाने की चर्चा भी हो रही है। तो चलिए हम आपको इस लड़की की हिम्मत और साहस की कहानी सुनाते हैं। वो बहादुर लड़की है रुखसाना कौशल। उनके पिता का नाम नूर हुसैन और माँ का नाम राशिदा बेगम है। ये परिवार राजौरी जिले के शहादरा शरीफ गांव में रहता था। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाना या ठहरने की फिराक में आतंकी आ जाया करते थे। बात 27 दिसंबर 2009 की है, तब रुखसाना की उम्र करीब 20 साल की ही हुई होगी। रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। रात को करीब 9:30 बजे 3 आतंकियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रुखसाना के